बीसीसीआई ने कर दिया ऐलान, टीम इंडिया नहीं जाएगी पाकिस्तान। हाय अल्लाह, नहीं जाएगी पाकिस्तान। हाय अल्लाह, तो पैसा बर्बाद पहन। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से गई। जब तुम नहीं आओगे, रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो, प्लीज प्लीज मेरे साथ आइए, प्लीज मेरे साथ आइए। हाँ, जब नहीं आता प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। वाह भाई वाह। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद का मामला, भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता। है ना अजीब सा असूल, पाँव भी पड़ जाओ इंडिया की टीम के, बीसीसीआई के पाँव भी पड़ जाओ, पाकिस्तान में लाना पड़ेगा उनको, लाओ पाकिस्तान में हमारी क्रिकेट उठेगी यार। लेकिन बदकिस्मती से कह लें, समझता हूँ कि ये ज्यादती है, पाकिस्तान का हक बनता है कि चैंपियंस ट्रॉफी और ये इंडिया की गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं जाएगी। जितना कुछ मैं वर्ल्ड कप के दिन था ना, उतना ही कुछ मैं आज, क्योंकि आज बीसीसीआई के अधिकारियों ने साफ संकेत दे दिए कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाने वाली। हाय हाय, हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारे प्लेयर्स वहां पे टारगेट होंगे। मैं जानता हूं तुम लोग ये जान के कि इंडिया के प्लेयर्स हैं, तुम टारगेट करोगे, तुम कभी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को टारगेट नहीं करोगे। अगर पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं रखी जाएगी तो आईसीसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे यूए में रख लें। अल्लाह तौबा यार, आपको हर गली हर मोहल्ले के अंदर जो है विराट कोहली के पोस्टर्स देखने को मिलेंगे और विराट कोहली के फैंस देखने को मिलेंगे। एक मर्तबा यार किंग कोहली पाकिस्तान आओ तो सही यार, प्लीज यार आ जाओ। अच्छी लंड मेरा। यहाँ पे तुम चाहते हो इंडिया की क्रिकेट टीम, यार दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड वो पाकिस्तान जाएगा? हरगिज नहीं। तुम्हारे यहाँ ना ढंग के होटल, ना ढंग की रोड, ना ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं। देखिए, नो डाउट इंडियन बोर्ड बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, वो किसी भी बोर्ड को खरीद सकता है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। जब से चैंपियन ट्रॉफी का मैंने सुना है कि चैंपियन ट्रॉफी और पाकिस्तान में होने जाने, मैं तब से उम्मीदें लगा के बैठा हूं कि अब इंडिया आएगा, अब आएगा, क्योंकि आईसीसी के इवेंट है। अब फिर से यार ये ज्यादती है यार, ज्यादती है। क्या समझते हैं चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ होगी? नहीं होगी, हाइब्रिड मॉडल होगा। इंडिया के मैच दुबई में होंगे जी, फुलावर नहीं आएंगे। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में कोई बातचीत हो जाती है तो होंगे, अदरवाइज वही होगा जैसे एशिया कप हुआ। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? ये बात तो मैं पाकिस्तानियों को हमेशा से बोलता हूँ और जो मेरे वीडियो रेगुलर देखता है उनको अच्छी तरीके से पता है कि ये भविष्यवाणी तो मैंने पहले ही कर रखी है कि भारतीय टीम किसी भी कंडीशन में पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेगी। टूर्नामेंट आईसीसी का है, बॉयकॉट भी नहीं करेगी, लेकिन हाइब्रिड पे खेलेगी। अगर हाइब्रिड पे भी पाकिस्तान नहीं मानेगा तो भारतीय क्रिकेट ही नहीं खेलेगी। और जिस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ना हो, भारत ना हो, वो टूर्नामेंट कोई टूर्नामेंट होता है ना? तो रेवेन्यू बनेगा, ना लोग आएंगे, ना लोग देखेंगे। आपको क्या लगता है कि वो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेल लेना चाहिए? कभी भी नहीं आना चाहिए। क्यों? भाई हमारी औकात ये, आपने ग्राउंड देखे हमारे पीएसएल में ग्राउंड ऐसे, वहाँ पर चेयर ऐसे रखी हुई है जो विलीमे में होती है, उन पर कपड़े चढ़े होते हैं। भाई इंडिया जैसे इंडिया का एक लेवल है, वो पाकिस्तान में आकर खेले। अभी मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें कहो कि आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। भारत के नहीं आने से अगर मार अगर किसी को पड़ी है तो वो सबसे ज्यादा पड़ी है पीसीबी को पड़ी है, पाकिस्तान को पड़ी है, क्योंकि भारत पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेगा, जो उनके ब्रॉडकास्टिंग राइट है उसके पैसे नहीं मिलेंगे। बहुत बढ़िया। और भारत के साथ जितने भी भारत को फॉलो करने वाले हैं, जो लोग भारतीय टीम के साथ जाते हैं, विदेशों में जाके सपोर्ट करते हैं भारतीय टीम को, तो सोचिए भारतीय टीम अगर पाकिस्तान में जाती तो कितने सारे हिंदुस्तानी पाकिस्तान में जाते, होटलों में रहते, खाते पीते घूमते, अचानक से इतना सारा पैसा पाकिस्तान की इकोनॉमी में आ जाता। इन सारे अरमानों पे बीसीसीआई ने पानी फेर दिया। लेकिन एक सेकंड,
एक देशी भाषा में भी जो कहते हैं कि कुत्ता मुता दिया। और मैं ही नहीं, बहुत सारे हिंदुस्तानी भी ये चाहते थे कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाए, क्योंकि एक ये तो चलो क्रिकेट का इकोनॉमी का तो मसला है ही है, साथ में भारत की सिक्योरिटी का भी मसला है। और सबसे मेन बात तो ये भी निकल गया है कि भारतीय टीम के कुछ प्लेयर पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि भाई जान है तो जान है। और उनके पाकिस्तान में तो ये कहते हैं उनके सीनियर क्रिकेटर जावेद मियादाद, उसने तो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि मरना तो सबको एक दिन है ही, तो पाकिस्तान आके मर जाओ, क्या फलक पलता है। तोतला जावेद मियादाद, हालांकि अपने जमाने का दिग्गज बैट्समैन है, इसकी गिनती लीजेंड क्रिकेटरों में आती है। ये हमें डे वन से पता था कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, ना कल गया है, ना आज जाएगा, ना फिर आने वाले कल जाएगा, ये बात तय थी। बहुत ऊपर है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान नहीं है कि तुम एक पीस ऑफ केक समझ रहे हो, तुम्हारे साथ जो होगा तुम सोच नहीं सकते। क्या भारतीय टीम को खतरा है? डेफिनेटली। ये आए तो सही, इंडिया नहीं आएगा खेलने के लिए। आप क्यों चाहते हो इंडिया आए? मैं खुद बॉम्ब बैठ के ना इस मुकाम में जाना चाहता हूँ। यही तो बात है, पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर महान बल्लेबाज की जब सोच ऐसी हो तो इन पाकिस्तान का माशरा कैसा होगा। बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। और ये क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हम देख रहे हैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है जो अर्निंग्स हो रही है वो वैसे भी ज्यादा हो रही है, परसेंटेज में शायद बीसीसीआई का शेयर ज्यादा है। बड़ी मार्केट है ना यार इंडिया, बहुत बड़ी मार्केट है यार, आपकी हर बंदा वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी मुल्क हो। वो अभी तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली मुल्क हो गई, चाइना को बीट कर दिया उन्होंने। सो ये अब बहुत सारे पाकिस्तानी कहते हैं हम भी तो वर्ल्ड कप में आए थे, भाई तुम्हारी तो मजबूरी है, तुम्हारे तो दाना पानी चलता है आईसीसी से, आईसीसी अगर तुम्हें पैसा देना बंद कर दे तो तुम भूखे मर जाओगे, तुम बॉयकॉट कर ही नहीं सकते। लेकिन बीसीसीआई है, भारत बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, सबसे ताकतवर बोर्ड है, आईसीसी बीसीसीआई के आगे पानी भरता है। आईसीसी की हिम्मत नहीं है कि भारत को दिखा दे, आंख दिखाना तो बहुत दूर की बात है, ऊंची आवाज में बोल दे, लेकिन तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुम ऐसे करोगे आईसीसी लात देगा, किक देगा, आउट। और अभी तो आने वाले टाइम में आईसीसीआई के प्रेसिडेंट के भी चुनाव होंगे, और ये बताया जा रहा है कि जैसा वो चुनाव लड़ेंगे और 90% वो जीत भी जाएंगे, तो सोचो पाकिस्तानी हो जब आईसीसीआई के अंदर भारत का आदमी होगा, वो भी अमित शाह का बेटा, सोचो तुम। तुम टूर्नामेंट होस्ट करने की सोच रहे हो, क्या पता वो टूर्नामेंट तुम्हारे पाकिस्तान से आउट हो जाए। तो ये तो शुक्र मनाओ कि भारत ने भी हाइब्रिड मॉडल तक है, सीमित है, इसमें मान जाओ, चूचा पर मत करना। लेकिन ये पाकिस्तानी ये तो बहुत करेंगे भाई, बहुत चीखेंगे, बहुत चिल्लाएंगे, और हमको आनंद आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से गई, ये अभी की खबर है। अच्छा, ये खबर कोई पाकिस्तानी आउटलेट देता ना मीडिया का, या कोई पाकिस्तानी सोशल मीडिया पेज देता, मुझे यकीन करें कोई फर्क ना पड़ता, मैं उसको ना ब्रश ऑफ कर देता। खबर कहां से आ रही है? इंडियन मीडिया आउटलेट से, और एक इंडियन मीडिया आउटलेट नहीं रिपोर्ट कर रहा, मल्टीपल कर रहे हैं, न्यूज एजेंसीज कर रही हैं, वेबसाइट्स कर रही हैं। तो भैया इसका मतलब ये है कि ये बुनियादी तौर पर वो टेस्टर है कि जो वेस्ट में भी लगाया जाता है आम पब्लिक को, ईस्ट में भी लगाया जाता है। बीसीसीआई इज सेट टू इन्फॉर्म आईसीसी और पाकिस्तान बोर्ड के ये जो वेन्यू है ये चेंज किया जाए और इसको हाइब्रिड मॉडल पे करवाया जाए। अगर आपको याद हो तो इससे पहले भी मैचेस इस तरह हो चुके हैं, उस वक्त भी एक शोर और हंगामा रहा और ये कहते रहे, पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता रहा कि नहीं ये पाकिस्तान में सीरीज होगी, पाकिस्तान में मैचेस खेलेंगे, इंडिया की टीम आएगी। लेकिन ये हुआ कि फिर उसके बाद मैचेस जो हैं कुछ और कंट्रीज में रखवाए गए। पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने बाद आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी इन पाकिस्तानियों को रगड़ा लगा सकते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।